सो हेलो एवरीवन, बहुत सारे बच्चों का ट्रिपल इम्यूनिटी को लेकर के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो इसमें आप थंबनेल में देख लिए होंगे और उसके अलावा भी बहुत सारे डाउट हैं जो हम वन बाय वन क्लियर करेंगे, ठीक है। हो सकता है ये नोटिस आप पढ़ चुके हो वेबसाइट पर, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग की, जो 21 अगस्त है, 21 अगस्त को आपका मल्टीपर्पज हॉल एक MPH करके है जो हॉल है, उसमें आपको जाना है, जो कि CS इलेक्ट्रिकल, EC IoT और केमिकल, इन तीन ब्रांच के बच्चे हैं उनको, ठीक है। और 22 को जाना है आपको, जो EC और सिविल, मैकेनिकल और IT के हैं, इन तीन ब्रांच को, ठीक है, अलग अलग डेट पर, ताकि भीड़ उड़ ज़्यादा ना हो और उनका अपना ब्रांच प्रेफरेंस होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस दिन फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा तो भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको लेकर के जाना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी यहाँ पर लिस्ट इन्होंने बना करके दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 10th का ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो, आपका जो सीट अलॉटमेंट हुआ है वो, और फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब कि 12th क्लास की आपकी जो मार्कशीट है वो आपको लेकर के जानी है, और OBC सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद का, मतलब एकदम लेटेस्ट होना चाहिए इस समय का, आपकी जो भी कैटेगरी हो, OBC हो, EWS हो, चाहे SC ST हो, तीनों में से सब कैटेगरी की बात करें, तो अगर आपने आर्म्ड फोर्सेज इन सब चीज़ों पर अगर बेनिफिट लिया है सीट में अलॉटमेंट के टाइम पे, तो वो आपको अपनी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ आर्म फोर्सेज पर्सनल वगैरह का वो, ठीक है। अगर आप हैंडीकैप हैं तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट वेबसाइट पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको आप कहीं भी जाकर के अपने आसपास के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर CMO की मोहर लेकर के अपना बनवा सकते हैं मेडिकल, ठीक है। 6 कलर पासपोर्ट फोटो साइज फोटो, आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। और JEE Mains का स्कोर कार्ड आपको लगेगा, और पेरेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। पेरेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्योंकि आपका जो डोमिसाइल बनता है जो जनरली वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, और पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट आपको ये ऑनलाइन जब आप डॉक्यूमेंट दे रहे थे सीट एक्सेप्टेंस के टाइम पे उस समय आपको ये सारी चीज़ें पता हो ही गई होंगी। और यूनिवर्सिटी रिमेनिंग फीस रिसिप्ट एंड एडमिशन कन्फर्मेशन फीस रिसिप्ट, मतलब कि जो 40,000 आपने एडमिशन कन्फर्मेशन किया था वो वेबसाइट पर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो रिमेनिंग फीस है उसको लेकर के जाना है। रिमेनिंग फीस क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं, तो जो रिमेनिंग फीस है जिन बच्चों को हॉस्टल चाहिए, ठीक है, उनका जो रिमेनिंग फीस है वो 1.64, ठीक है, 1.64 है, जिसमें आप 40 दे चुके हैं और 1.24 आपको और देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 29,000 जो है हॉस्टल फीस है, हर साल अभी पिछले साल तक 25 होती थी, इस बार 4,000 बढ़ गया है, और जो डे स्कॉलर जिनको हॉस्टलर नहीं चाहिए उनको 135, ठीक है, 137.5 ये आपकी जो फीस है, जिसमें 40,000 आप दे चुके हैं और आपको 97,500 और लेकर के जाना है। तो लेकर के नहीं, बेसिकली आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगी, यहाँ पर दिया हुआ है वेबसाइट या पोर्टल पे, तो आप वहाँ पर पे कर सकते हैं ये फीस। और ये फीस कब तक आपको देनी है, तो 19 तारीख तक, उसके बाद आप फीस जमा नहीं कर पाएंगे, लास्ट डेट जो है 19 तारीख है। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पर हॉस्टल की फीस जमा करनी है तो हॉस्टल कैसे अलॉट होगा और हॉस्टल कब मिलेगा, ठीक है। तो हॉस्टल जब आप यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर जाएंगे उसी समय आपको जो हॉस्टल की अलॉटमेंट की चीज़ें हैं वो आपसे ले ली जाएंगी, आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपको हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रों द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही छात्रावास आवंटन हेतु प्रस्तुति किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें आप अपना ये कर सकते हैं, और उसका अपना अपना प्रोसेस है, हॉस्टल अलग से अलॉट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी पर आते हैं कि कुछ बच्चों की ये क्वेरी है कि भैया हमको लगेज वगैरह लेकर के जाना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो जो आपकी देखिए डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की जो डेट है वो 21 और 22 है, ठीक है, और आपका जो ओरिएंटेशन स्टार्ट होगा वो 24 से, तो आप इस बीच में चाहे तो आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करा करके आ सकते हैं, फिर आपको हॉस्टल अगर अलॉट हो जाता है उसके बाद आप आ सकते हैं ओरिएंटेशन के लिए। ओरिएंटेशन 24 से स्टार्ट है, सारे बच्चे नहीं आते हैं, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं, और अगर आप अपना कुछ लेकर के आ जाएंगे तो आपको हॉस्टल भी अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी समय कुछ बच्चे आ जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं आते हैं, जिसका जितना घर से डिस्टेंस है उस हिसाब से आप देख लेना। और दूसरी बात ये कि जो हॉस्टल अलॉटमेंट की क्राइटेरिया है, ठीक है, जैसे आप गोरखपुर के आसपास से हैं, ठीक है, तो आपको हॉस्टल जल्दी नहीं मिलता, पहले दूर के बच्चों को मिलता है डिस्टेंस प्रेफरेंस के हिसाब से, तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा, पता चले आप यहीं आसपास देवरिया के रहने वाले हैं चौरी चौरा इधर के, और आप सामान लेकर के आ गए तो अभी हॉस्टल जब तक मिल नहीं जाता है तब तक ना आए तो बेटर है, ठीक है। और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि जैसे भैया लॉन्ड्री वगैरह का फीस लिया जा रहा है, लॉन्ड्री आ गई, तो अब तक तो ऐसा कुछ नहीं था यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी बहुत सारे नए डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारे हॉस्टल नए बने हैं, तो हो सकता है कि अगर आपको चार्ज किया जा रहा है तो आपको लॉन्ड्री की व्यवस्था भी यहाँ पर मिले, ठीक है, ठीक है। और आपको कुछ यहाँ पर और एक इनरोलमेंट फॉर्म भराया जाता है जिसमें आपकी TC लगती है, तो TC आपको कॉलेज मतलब सॉरी स्कूल से जो TC आपकी मिली रहती है वो, या फिर माइग्रेशन जो मिलता है आपको इंटर और हाई स्कूल के बाद, ठीक है। और अगर आप गैप है आपका तो गैप सर्टिफिकेट जो कि एक स्टैम्प पेपर पर 100 रुपये या 10-20 रुपये जिस पर भी आप बनवाना चाहें उस पर बनवा सकते हैं, और हाई स्कूल की तो आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो लगेगी, और जो आपका एडमिशन जो हुआ है जो अलॉटमेंट लेटर आता है आपका उसका जो एडमिशन है वो लगेगा, बाकी 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और 2 कलर फोटो ये जो है आपको लगेगा इसमें आपका जो इनरोलमेंट है उस टाइम के लिए, ठीक है। ये बहुत लेट होता था पहले, लेकिन इस बार सब कुछ एक ही साथ हो जा रहा है कंटिन्यूटी में, तो अच्छी बात है कि आपका सारा काम इन सब चीज़ों को लेकर के हो जाएगा। और स्पॉट राउंड के बच्चों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्पॉट राउंड के बारे में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है और स्पॉट राउंड के बारे में बताने में बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाएगा। तो ये हो गया जिनका एडमिशन हो चुका है, बाकी कुछ बच्चे इनमें से जिन्होंने एडमिशन ले लिया, अगर आपको लोअर ब्रांच मिली है तो AKTU में आपको अच्छा चांस है कोई भी ब्रांच पाने का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर आपको AKTU में एडमिशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर
बाकी जो बच्चे एडमिशन यहाँ पर ट्रिपल एम्यूटी में अगर आपने लोअर ब्रांच में एडमिशन लिया है, जैसे आपको सिविल मैकेनिकल केमिकल वगैरह आपने एक्सेप्ट कर रखी है, तो अगर आपकी रैंक अच्छी है अगर, तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं एकेटीयू के। ठीक है, तो एकेटीयू का आज चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आप बहुत सारे हमारे लिंक्स हैं, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, पिछले साल के इस साल के मैं रहूँगा, वहाँ पर आप कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक पेड काउंसलिंग सपोर्ट पहली लिंक है, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल भर सकते हैं जो भी यहाँ पर डिटेल मांगा गया है, और 199 रुपीज़ में। ठीक है, ये पहले 299 था लेकिन अब ये 199 हो गया, 199 में आप अपना एकेटीयू का पूरा जो काउंसलिंग है चॉइस फिलिंग से लेकर के, चॉइस फिलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि ट्रिपल एमयूटी एचबीटीयू जोसा सीसेप सब कुछ हो चुका है, तो ज़्यादातर बच्चों ने एडमिशन ले रखा है। ठीक है, तो एकेटीयू में देर इज अ चांस कि आपको बहुत हाई रैंक पर भी जो ब्रांच या कॉलेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो भी मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए चॉइस फिलिंग थोड़ा अच्छे से करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जैसे ही पहले राउंड का कट ऑफ आता है तो हम उस कट ऑफ को देख करके अपना चॉइस फिलिंग अरेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि एकेटीयू में क्या होता था कि चॉइस फिलिंग जो है हर राउंड से पहले खुलती है, तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ट्रिपल एमयूटी का जो फीस जमा करना है वो 19 तक है, आई होप कि उससे पहले एकेटीयू का पहला राउंड आ जाए, और जैसे ही पहला राउंड आता है तो उससे आप कट ऑफ जो जा रहा है उसका अंदाजा लग जाएगा, तो आप ट्रिपल एमयूटी को छोड़ करके अभी आप जैसे सीट कंफर्मेशन फीस दी है तो उसको छोड़ करके एकेटीयू में भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप 199 में ज्वाइन करें, बाकी जो बच्चे ट्रिपल एमयूटी के लिए देख रहे हैं स्पॉट के लिए एकेटीयू के लिए दोनों चीज़ें 199 में करा दी जाएंगी, अगर आप ट्रिपल एमयूटी के स्पॉट के लिए भी जा रहे हैं तो जो गोरखपुर के आसपास हैं वो बच्चे जनरली सोचते हैं कि यहीं पर मिल जाए। ठीक है, तो ये थी डिटेल, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्पॉट राउंड के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इसमें डिटेल में कि स्पॉट राउंड कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, डॉक्यूमेंट फीस वगैरह कैसे जमा होंगी, और कुछ बच्चों की ये भी क्वेरी आ रही है कि भैया 24 को ही क्लासेस शुरू हो जा रही है, ओरिएंटेशन शुरू हो जा रहा है और स्पॉट की डेट बहुत लेट है, तो हम लोग की क्लासेस छूटेंगे, प्रॉब्लम आएंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, बाकी लास्ट ईयर का स्पॉट राउंड का यहाँ पर वीडियो चैनल पर पड़ा है, आप चाहें तो ये सब देख सकते हैं, ज़्यादातर इंटरनल स्लाइडिंग वगैरह को लेकर के भी बच्चों की क्वेरी आ रही है, तो इन सब के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।